Hi everybody! Welcome to JKSSB A D A six one four. I welcome to all of you with another lecture that is medieval history of Jammu we have already completed ancient history of jammu so if you haven't watched that part so you can go and watch that lecture first then come on this part because if we talk about history then chronology is very important part first you need to read ancient history of jammu then you can complete this medieval history so in our today's class we are going to cover medieval history of jammu in a very comprehensive manner with all the factual data in a very crisp manner so let's get started with our first topic that is medieval history. so medieval history में हमारी सबसे first जो dynasty है वो रहेगी हमारी dev dynasty. so वहाँ तक हमने जो complete किया था एंशल हिस्ट्री के बाद अब नेक्स्ट आती है हमारी देव डायनेस्टी इसका जो टाइम पीरियड है सबसे पहले आपको वो कंप्लीट कर पता होना चाहिए एट फोर्टी से सेवन सेवनटीन नाइन्टी एट एडी ये जो है इसका टाइम पीरियड रहा था पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इसका जो टाइम पीरियड है इतना पूछा नहीं जाता है। लेकिन आज का जो रिसेंट ट्रेंड है जैसे एस एस बी में क्रोनोल क्रोनोलॉजी और टाइमिंग पे भी क्वेश्चनस आते हैं कौन सी डायनेस्टी किस टाइम पीरियड पर जो है रूल किया करती थी तो अगर आप सारे के सारे डिटेल्स नहीं देख पाते थोड़ा ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए ताकि आप गेस्ट कर पाओ ठीक है तो एट्टी एट फोर्टी से लेके सेवनटीन नाइनटी एट एटी तक देव डायनेस्टी थी तो इसमें मैंने बताया था जैसे कि आपके फ़ाउंडर कौन होते हैं और लास्ट रूलर दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको पता होने चाहिए जब भी आपने हिस्ट्री पढ़नी है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके फाउंडर कौन है और लास्ट रूलर कौन थे तो इसमें जो है ये जो डायनेस्टी थी ये इस्टेब्लिश किसने करी थी सूरज देव ने तो इसके फाउंडर हैं हमारे सूरज जिन देव जिन्होंने देव डायनेस्टी इस्टैब्लिश करी थी ठीक है ये इंपॉर्टेंट हो गया उसके बाद इस डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए सबसे पहले बुजदेव ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके बाद ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको स्टार मार्क करना है रंजीत देव ठीक है इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं और ये जो हमारे गुलाब सिंह जी थे वो इन्हीं के वंचर्स में आते थे ठीक है जो डोगरा रूलर थे गुलाब सिंह जी वो रंजीत देव डायनेस्टी के ही मतलब इन्हीं के जो है ंजर्स थे उसके बाद आ गए जो देव मतलब जिनके आगे देव देव हैं वो ऑलमोस्ट सारे देव डाइनेस्टी से बिलोंग करते थे और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अब ये जो अवतार देव है इन्हों इन्हों इन, इनके टाइम पे क्या इवेंट हुआ था इन्होंने क्या किया था जो महमूद ऑफ गजनी थे जो इंडिया में लूटपाट मचाने आता था सेंट्रल एशिया से उसको बैटल ऑफ पेशावर में किसने डिफ़ीट करा था अवतार देव ने किसने डिफीट किया था अवतार देव ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये या आपको याद करना है और जैसे कि मैंने बताया कि इसका टाइम पीरियड है 1798 एडी तो लास्ट में जो 1798 में 98 एडी में किसका रूल था जीत सिंह का रूल था तो जीत सिंह के टाइम पे फाइनली जो देव डायनेस्टी है इसका एंड हो जाता है और फिर ऐसे करके जम्मू जो है सिख्स के हैंड्स में चला जाता है ठीक है सिख रूल फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जम्मू में तो अभी हमने देखा सूरज देव ने देव डायनेस्टी को इस्टैब्लिश करा और इसके जो लास्ट रूलर थे जिनके टाइम पे देव डायनेस्टी फाइनली डिक्लाइन पे हो हो गई थी वो थे हमारे जीत सिंह जी उनके बाद आया था हमारा सिख रूल ठीक है ये हो गया हमारा मिडिवल में देव डायनेस्टी अब हमारे पास जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू में इतने ज़्यादा सोर्सेस नहीं है और इसमें इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जितना हमने पढ़ा वो इन सफिशेंट है इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस हमेशा एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं पेपर में ठीक है तो आप इस पर जो है पूरा रिलाई कर सकते हो और जो मैं अभी प्रोमिनेट रूलर्स बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आज तक जितने भी जेके एस के क्वेश्चन आए हुए हैं आपको इनमें से पक्का हर एक क्वेश्चन मिलने वाला है ठीक है तो आपने फोकस्ड रहना अटेंटिव रहना लेक्चर के दौरान ठीक है? तो इससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर्स जो है जम्मू के सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे बहुलोचन ठीक है ये तो सबको इनका नाम पता होगा बहुलोचन जम्बुलोचन के क्या थे ब्रदर थे क्या थे ब्रदर तो इन्होंने क्या काम किया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके बारे में वो हम पढ़ने वाले हैं तो फेमस जो बहू फॉर्ट है बहु फोर्ट जो है रवि तवी रिवर के किनारे किसने बनाया है बहुलोचन ने अपने ही नाम पे ठीक है ये तीन हज़ार साल पहले की बात है कब की बात है तीन हजार साल पहले की बात है बहुलोचन ने फेमस बाहू फोर्ट बनाया था तवी रिवर के किनारे और इन्होंने क्या करा था एक धरन नगरी धरन नगरी जो है सिटी है इन्होंने फाउंड की थी और जम्मू से अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था कहाँ पे धरन नगरी में तो ये जो कैपिटल शिफ्ट होती है ना और जिस रूलर ने ये करी होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये आपको स्टार मार्क करना है इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है एम आता है ठीक है तो किसने जो है धरन नगरी में कैपिटल शिफ्ट करी थी वो थे बहुलोचन पहले कहाँ पे थी कैपिटल जम्मू जम्मू में थी जम्मू नगर जो उस टाइम पे हुआ करता था फिर आई हमारी धर्म नगरी बहुलोचन ने ये शिफ्ट करी थी उनको मारा किसने था जो सियालकोट पंजाब के जो रूलर्स थे ना उस टाइम पे जो सिख रूलर्स थे ना उनका कैपिटल कहाँ पे था लाहौर में ठीक है वो सारा का सारा इम्पायर इनके अंडर था तो सियालकोट के जो पंजाब के रूलर्स थे वहाँ पे वहाँ के रूलर्स ने जो है इनकी डेथ इनको मारा था तो ये आपको याद करना है उसके अलावा आते हैं जम्बू लोचन कौन आते हैं जम्बू लोचन तो जम्बू लोचन जो है फाउंडर हैं जम्मू सिटी के ऑलरेडी आपको पता होगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी दैट इज़ जम्बूलोचन दट दिस इज़ द इजिएस्ट क्वेश्चन उसके बाद है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर थे और इन्होंने अपना जो एम्पायर है सिंध तक एक्सटेंड करा था जो अभी पंजाब पाकिस्तान में सिंध आता है वहाँ तक इन्होंने अपना पूरा का पूरा शासन फैलाया था अपनी जो टेरेटरीज़ अपने अंडर इन्होंने करी थी कैसे करी थी सियालकोट के जो राजा थे उनको हरा के अब जैसे कि जो बहू लोचन थे उनको मारा किसने था सियालकोट के जो रूलर्स थे लेकिन इन्होंने क्या किया था सियालकोट के राजा को ही मार दिया और अपना एम्पायर सिंध तक फैला दिया था तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर थे अब इनको आपने स्टार मार्क करना है इन्होंने क्या काम किया फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी और सिंध तक एक्सपैंड किया बस इतना ही है ठीक है और इनका क्या था बहुलोचन ये भी आपको स्टार मार्क करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है इन्होंने बहूफोर्ट बनाया था दरन नगरी में कैपिटल शिफ्ट की थी लेकिन मारा किसने इनको सियालकोट पंजाब के रूलर्स ने बस इतना सा है कि काफ़ी ईजी रहेगा आपको लर्न करने में तो इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट वे में देखिए आपको क्रिस्प मैनर में छोटे छोटे नोट्स के बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा एलैबरेट करा हुआ है तो वो आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो हमने दो या तीन बुक्स से ये जो फैक्चुअल डेटा यहाँ पर लाया है तो आई होप आप सब जो है इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जो आपके के लिए ईजी रहने वाला है ठीक है उसके बाद आते हैं हमारे शक्तिकरण तो जो महाराजा शक्तिकरण थे ये इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डोगरी स्क्रिप्ट को किसने इंट्रोड्यूस करा था जिसके बेसिस पे लैंग्वेज बनती है ना वो किसी स्क्रिप्ट को फॉलो करती है तो अगर हम डोगरी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस करी थी उनका नाम है शक्तिकरण तो याद कैसे करोगे उनमें बहुत शक्ति थी उन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कर दी मतलब अपने तरीके से आप लर्न कर लेना तो ये इनका इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके अलावा इन्होंने अपना जो जम्मू में इनका रूल चला करता था, था ना हम सिर्फ जम्मू जम्मू की बात कर रहे हैं कश्मीर हिस्ट्री अलग है जम्मू हिस्ट्री अलग है लेकिन जब मॉडर्न रूल आता है तब वो एक साथ कंबाइन हम पढ़ते हैं फिर जब जम्मू कश्मीर लद्दाख गुलाब सिंह जो है अपने अंडर ले लेते हैं ना तब भी वो अलग अलग नहीं होता फिर कंबाइन में हम पढ़ते हैं लेकिन अभी अगर हम बात करें जम्मू की वो अलग हिस्ट्री है कश्मीर की अलग हिस्ट्री है ठीक है तो जम्मू राज को इन्होंने जो पीर पंजाल बनीहाल में जो राजौरी रामबन वाली साइड वहाँ तक जो है अपना एक्सटेंड कर दिया था अपना एम्पायर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये या आपने याद रखना है बस ये दो पॉइंट है राजा शक्तिकरण के इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की अगर मैं इन दोनों में से इंपॉर्टेंट बोलूँ तो ये डोगरी स्क्रिप्ट ही है और अगर मैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मान लूँ तो यही क्वेश्चन है डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस करी थी वो थे राजा शक्तिकरण और ये कौन सी आ, हिस्ट्री से आते हैं मिडिवल हिस्ट्री से ठीक है ये हो गया हमारा उसके बाद आएंगे ब्रिजदेव अब मैं आपको इसको लर्न कराने के भी निमोनिक बताऊंगी आप पहले जितना मैं पढ़ा रही हूँ पहले उसको ध्यान से पढ़िए ठीक है पहले ध्यान से पढ़िए फिर हम आगे वो भी कर लेंगे उसके बाद आते हैं हमारे ब्रिजदेव इनके बारे में क्या होता है कि ये अलाए थे मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी के और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ टेरेन में डिफीट करा था तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ होल्ड जो है जैसे कि ये हमारा अगर जे एंड के है तो ये हमारा गुजरात है तो ये सारा का सारा नॉर्थ वेस्ट है ना ये जो ये सारा का सारा नॉर्थ वेस्ट और ये गुजरात नीचे फिर ये राजस्थान फिर गुजरात फिर कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र बिहार इन सारे के सारे एरियाज़ में जो पृथ्वीराज चौहान थे ना उनका रूल हुआ करता था वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे तो ब्रिजदेव तो मतलब अकेले उनसे लड़ नहीं पाते थे तो इसी वजह से वो मोहम्मद गोरी के साथ मिल जाते हैं और ये देव के साथ लड़ाई करते हैं और बैटल उस बैटल का क्या नाम होता है बैटल ऑफ टेरेन क्या नाम है बैटल ऑफ ट्रेन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पृथ्वीराज चौहान के साथ किसने लड़ाई करी थी बैटल ऑफ टेरेन में वो थे ब्रिजदेव तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और उन्होंने क्या किया था विजयपुर जो है अभी प्रेजेंट जिसका नाम है विजयपुर बी बी को वी में कन्वर्ट कर दिया हुआ है इन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा था तो बिजेपुर किसने फाउंड करा था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इजी भी है क्योंकि इनके नाम पे ही है तो ये थे हमारे ब्रिजदेव इनका भी हो गया दो दो लाइन में सारों की हमने इन्फॉर्मेशन लाई है उसके बाद आएंगे जोध देव जोध देव क्या थे कंटेम्प्रेरी थे फिरोज शाह तुगलक के जो कि दिल्ली के थे अब ये कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब हुआ कि जिस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली में रूल किया करते थे जोध देव उसी टाइम पे जम्मू में रूल किया करते थे तो ये मतलब हुआ कंटेम्प्रेरी का तो क्वेश्चन आता है मैं तभी ये पॉइंट आपको मेंशन किया हुआ है कि कौन था कंटेम्प्रेरी फिरोज शाह तुगलक का दिल्ली में वो थे हमारे जोध देव जोध देव ठीक है तो जब कश्मीर के रूलर जिनका नाम है सहदेव क्या नाम है हमारा सहदेव जो देव डायनेस्टी के थे ना सहदेव कोटरानी जो थी उनकी वाइफ थी तो जब ये किश्तवाड़ में भागे थे कौन सहदेव जब किश्तवाड़ में भागे थे तो जोध देव ने इनको हेल्प करी थी ठीक है जब इनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था रहने को कुछ नहीं था तो जो देव ने इनकी हेल्प करी थी और जब उसके बाद फिर अगर इन्होंने कश्मीर में इन्होंने रिटर्न करने में भी किसने हेल्प करी थी वापस जाने में भी जो देव ने हेल्प करी थी तो ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक के ये कंटेम्प्रेरी थे और इनके टाइम पे ये क्वेश्चन आता कि सहदेव कश्मीर में जम्मू में किसके टाइम पे आए थे वो थे जोध देव कौन थे वो जो देव और जो देव ने इनकी हेल्प करी थी कश्मीर वैली में वापस जाने की भी तो नेक्स्ट है हमारे मालदेव तो राजा मालदेव जो है ना वो भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग अगर जम्मू की बात करें ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे और अगर हिस्ट्री जम्मू हिस्ट्री की बात करें तो इनके जो इनका टाइम था ना इनका जो रेन था उसको क्या बोला जाता है गोल्डन पीरियड क्या बोला जाता है गोल्डन पीरियड क्योंकि उस टाइम पे जम्मू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पैरिटी हुआ करती थी और जहाँ पे मैंने बताया कि दरनगरी नगरी में जो बहुल लोचन ने कैपिटल शिफ्ट करी थी जम्मू से दरन नगरी उसके बाद फिर वहाँ से जो डोगरा राज की जो कैपिटल है इन्होंने जम्मू में शिफ्ट की थी उनका नाम क्या है मालदेव तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि इनके पास बहुत माल आ गया था तो इसी वजह से इन्होंने जम्मू में कैपिटल शिफ्ट कर दी तो इनके पास बहुत माल था बहुत पैसे थे तो इसी वजह से इनका जो रेन है इनका टाइम पीरियड है उसको हम गोल्डन पीरियड जो है उनका उनके नाम से जाने जाते हैं ये हो गया ये कम्प्लीट देख सकते हो कितना ईजी वे में हम आपको सारे के सारे पॉइंट्स कम्प्लीट करा देंगे आप बस जो है लेक्चर में पूरा लेक्चर कंप्लीट देखिए अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं मैं बस आपको इतना बोलना चाहती हूँ आगे भी यही तरीके से आपने लेक्चर फॉलो करना है अब आए हमारे मालदेव जो हैं इन्होंने और क्या बनाया था पुरानी मंडी जिसका जो नाम इन्होंने क्या रख दिया था माल मंडी तो जो पुरानी मंडी किस किसने बनाई थी मालदेव ने तो इनके पास बहुत माल था ना तो उन्होंने मंडी बना दी थी फिर उसको उसका नाम माल मंडी क्यों बना दिया क्योंकि उनके पास माल था तो वो पुरानी मंडी में इन्होंने माल डाला तो वो माल मंडी बन गई तो इस तरह से आपने याद करना मालदेव के टाइम पर ही ये सब हुआ था पुरानी मंडी माल मंडी ठीक है अब ये राजा जो मालदेव हैं फर्स्ट टाइम फ़र्स्ट टाइम जो जो गद्दी पे जो बैठने की जो रीति है ना ट्रेडिशन है जो राजा महाराजा गद्दी पे बैठते हैं फिर कोर्ट अपने जो दरबार में प्रजा बिठाते थे वो किसने डोगरा किंग्स में किसने कंटिन्यू करी थी वो चीज़ वो करी थी मालदेव ने ठीक है तो इनके पास पैसा था तो इन्होंने अपने लिए एक थ्रोन बना दिया था जहाँ पर वो गद्दी में बैठते थे ठीक है अब ये ये जो तिमूर है ये सेंट्रल एशिया से था इसने जो जम्मू में इन्वेड करा था ना यहाँ पे आया था वो भी इनके टाइम पे ही आया था और इसने और इसको जो मई डोगराज थे ना उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया था यानी कि इसके साथ बहुत अच्छे से लड़ाई की थी मई डोगरा रूलर्स डोगराज ने उस टाइम पे तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपने स्टार मार्क करना है कि तिमोर ने जम्मू में इन्वेड करा था जब आया था तो किसके टाइम पे आया था उस टाइम पे जम्मू के रूलर थे मालदेव और ये इंपॉर्टेंट हो गए मालदेव के पॉइंट्स मालदेव सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम हिस्ट्री की बात करें जम्मू हिस्ट्री की तो इसलिए आपने ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करना है इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता था कैपिटल डोगरा राज के शिफ्ट की थी जम्मू में ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करना है ठीक है तो ऐसे ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट माल मंडी स्टार मार्क करना है ये पुरानी मंडी है तो बस ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं तभी मैंने स्टार मार्क किया है जितने मैंने स्टार मार्क करी हूँ ना वो सारे के सारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है थीके? तो ऐसे ही आपने भी पढ़ना है जो जो स्टार मार्क करी उनको ध्यान से पढ़ना है फिर आएंगे हमारे अजय देव तो ये भी काफ़ी बड़े वॉरियर थे यानी कि जो लड़ाई वगैरह करते हैं ठीक है थीके? अब इन्होंने क्या किया था जो क्योंकि इनको पता था कि अगर अपनी टेरिटरी को सेफ रखना है तो जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन हमें बनाना चाहिए ताकि दूर दराज की जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं अगर हमारे पे अटैक करने के लिए आते हैं तो इनके आपस में एग्रीमेंट हो तो ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं इनकी फोर्सेस भेज के है ना तो इस तरह से पहले क्या करते थे जो भी प्रिंस प्रिंसली स्टेट में किंग्स रूलर्स होते थे वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते थे ताकि दूसरा कोई वहाँ पर आके अटैक ना कर पाए क्योंकि हमारे आसपास की जो भी नेबरिंग कंट्रीज होती है अगर हम प्रेजेंट की भी बात करें उनके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए ताकि एक कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड टेरिटरी की तरह हम अपना जो है सेफ्टी कर सकें अपने आप को डिफेंड कर सकें ठीक है तो जो अजीब देव थे उन्होंने जो जैन दीन थे ना उनके साथ जो जिनको हम और क्या बोलते हैं अकबर ऑफ़ कश्मीर और इनको बोलते हैं बडश और हम इनको बोलते हैं ग्रेट सुल्तान तो इनके काफ़ी ज़्यादा नाम हैं क्योंकि इन्होंने पचास साल तक वैली में रूल किया था तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम पे इन्होंने लोगों की हेल्प की थी ठीक है टॉलरेंट थे मतलब हिंदूज और मुस्लिम में इन्होंने पक्षपात नहीं किया था सबके लिए सेम थे मतलब इनके बारे में हम, हम कश्मीरी हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना आप जान लीजिए इनको हम अकबर ऑफ़ कश्मीर बोलते थे क्यों क्योंकि अकबर भी एक बहुत बड़े रूलर थे तो अगर इनको बोलते हैं तो उनको जैनबीदीन को अकबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं ठीक है तो अकबर तो इनके बाद में आया था लेकिन अकबर ने जो भी काम किए थे और जो जैनुल अबीदीन ने काम किए थे ना उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलेटिबिलिटी थी आपस में सेम सेम काम इन्होंने किए थे क्योंकि अकबर भी टॉलरेंट था ठीक है और ये भी टॉलरेंट थे अब जो अजय देव जी थे उन्होंने जानलबिदीन के साथ अच्छे रिलेशन बनाए थे और क्योंकि उस टाइम पे जो खोखर ट्राइब थी ना खोखर ट्राइब ये अफ़ग़ानिस्तान से थी तो ये जो ट्राइब के लोग थे ना ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के साथ बुरा भला करते थे जब यहाँ पे लूटपाट मचाने आते थे मार काट कर करके चले जाते थे लोगों के पास कुछ नहीं बचता था तो उस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था खोखार ट्राइब का तो इनसे बचने के लिए अजय देव ने जैनुल अलाविदीन से अच्छे रिलेशन्स बनाए थे ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट है हमारे ध्रुव देव तो जो ध्रुव देव हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है एम कि जो बंदा बहादुर उनको किसने शेल्टर दिया था और मुगल से बचने में हेल्प की थी वो थे हमारे ध्रुव देव दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लीज स्टार मार्किट ठीक है ये ध्रुव देव ने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया था और मुग़ल से हेल्प करी थी बचने में क्योंकि वो वहाँ से भाग के आए थे और इन्होंने क्या बनाया था ध्रुव देव जो जम्मू में मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है ना कहाँ पर ये जम्मू में है तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था ये जो है जो डोगरा रूलर्स होते थे ना उनका ऑफिशियल रेजिडेंस होता था यहाँ पे इनका कोर्ट होता था ठीक है यहाँ से जो राजदरबार चलता था तो ये यहाँ पे जो मेन सीट सीट थी जो जम्मू रूलर्स की वो है हमारी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स डोगरा रूलर्स जो भी यहाँ पे बैठते थे तो देव ने बनाया था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस में भी हमें इस पर क्वेश्चन आता है बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको भी आपने स्टार मार्क करना है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स किसने बनाया है राजा देव ने और इन्होंने शेल्टर दिया था बंदा बहादुर को तो ऐसे आप कैसे याद करोगे एक निमोनिक में बताती हूँ कि बंदा बहादुर जो था ना तो ध्रुवदेव के पास एक मुबारक मंडी थी कॉम्प्लेक्स था बहुत बड़ा तो जो बंदा बहादुर आया उसने उन्होंने बंदा बहादुर को कॉम्प्लेक्स दे दिया रहने को मतलब ये एक्चुअल नहीं हुआ था मैं आपको निमोनिक बता रही हूँ कि बंदा बहादुर फिर ऐसे आप याद कर सकते हो रिलेट करके अब इन्होंने जो पैलेस था मालदेव मंडी जो थी ना इससे पहले मतलब जो पैलेस था मालदेव मंडी में ये लोग बैठते थे और फिर यहाँ से मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में किसने ये शिफ्ट करा था ये ध्रुव देव ने क्योंकि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया था ना उसके पहले मालदेव में बैठते थे मालदेव मंडी जो हुआ करती थी राजाओं की मेन सीट फिर इन्होंने जो शिफ्ट करी थी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में तो ये इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें हैं बंदा बहादुर और मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ध्रुव देव ठीक है उसके बाद है हमारे महाराजा रंजीत देव तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको आपने ज़रूर स्टार मार्क करना है इनका हर एक पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान से सुनना है ठीक है अच्छे से फोकस बना के आपने पढ़ना है अब महाराजा रंजीत देव थे वो बहुत बड़े ग्रेट रूलर अगर हम जम्मू की बात करें ना क्यों थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज टर, को चाहे वो हिल्स हो चाहे वो प्लेन्स हो वहाँ तक वहाँ तक अपना रूल जो है उसको एक्सटेंड किया था अपनी टेरिटरीज़ में लेके आए थे उनको अपने अंडर लेके आए थे वो सारी की सारी टेरिटरीज़ चाहे वो हिल्स की बात हो चाहे प्लेन्स सब जगह पे इनका शासन हुआ करता था इन्होंने क्या किया था बाईस प्रिंसिपैलिटीज़ यानी कि बाईस ऐसे राज्य जहाँ पे राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था उनको अपने अंडर ला के उन्होंने कंसोलिडेट की थी अपनी टेरिटरी यानी कि इतनी मजबूत बना ली थी क्योंकि अगर आपके पास दो या तीन प्रिंसिपैलिटी हो तो आप छोटे लेवल के होंगे ना किंगडम आपका लेकिन बाईस राजा महाराजाओं को आपने हरा के उनका किंगडम अपने अंडर लिया था तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़े रूलर थे ग्रेटेस्ट रूलर थे ठीक है पुराने जमाने में अगर हम किसी को ग्रेट बोलते थे तो उनकी यही एक स्पेसिफिशैलिटी होती थी कि वो क्या करते थे लड़ाई में जीतते थे आज के टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसको मोलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब परोपकारी काम करता है फिलन होता है लोगों की हेल्प करता है लेकिन उस टाइम पे जो इनकी ग्रेटनेस होती थी वो कैसे मेजर होती थी कि वो कितनी लड़ाइयों में जीत हासिल करते हैं पहले यही होता था कि अब जो राजा महाराजा होते थे उनको अपनी दूसरी दूसरी जगह पे जाके लड़ाई करने के लिए जाते थे तो इस वजह से उनसे लोग डरते थे वो उनको ग्रेट भी बोलते थे ठीक है तो इसी वजह से इनको भी ग्रेट बोला जाता था बाईस प्रिंसिपैलिटीज़ को इन्होंने अपने अंडर लिया था और जम्मू राज किसने एस्टेब्लिश करा था महाराजा रंजीत सिंह जी ने बाईस प्रिंसिपैलिटीज़ के साथ लेकिन इनका जो एरा था ना क्योंकि इनके पास इतना कुछ आ गया था धर्मदौलत थी तो इसी वजह से इनके टाइम पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी उनके पास कामकाज था प्रॉस्पेरिटी थी खाने को सब कुछ मिल रहा था और सारे के सारे सभी धर्मों के जो लोग थे ना उनको ये इक्वल मानते थे ठीक है ये मतलब अपने जो धर्म था उसको सर्वोपरि नहीं रखते थे सब धर्मों के लोगों के साथ ये अच्छा बिहेवियर भे, भे, था इनका तो इसी वजह से वहाँ पर स्टेबिलिटी थी ठीक है क्योंकि रिलीजन एक बहुत बड़ा मेजर इशू बनता है अगर आप किसी एरिया में लड़ाई वगैरह होती है तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं होती लेकिन अगर वहाँ पे रिलीजन रिलीजियस इश्यूज नहीं होते तो वहाँ पे फिर प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है अगर होती है तो फिर प्रॉस्पेरिटी नहीं होती तो इनके टाइम भी ऐसा कोई था ही नहीं क्योंकि ये सबको सेम बराबर ट्रीट करते थे इसके अलावा अगर हम राजदर्शनी जो बुक है जिसको किसने लिखा है गणेश दास वदेरा अगर आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था गणेश दास वदेरा ने राजदर्शनी बुक लिखी थी जम्मू हिस्ट्री के बारे में तो इसमें क्या हमें इस बुक से क्या पता चलता है जो रंजीत देव थे ना इन्होंने जो लॉ एंड आर्डर था ना कानून जो था उसको बहुत अच्छे तरीके से जम्मू में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था इन्फोर्स किया था लागू किया था इसी वजह से इनके टाइम पे जम्मू को क्या बोलते थे दारुल या फिर अबोर्ड ऑफ पीस इनके टाइम पे क्यों शांति क्यों थी क्योंकि अगर कोई गलत काम करता था तो उसको दंड मिलता था ठीक है कानून का पालन होता था इनके टाइम पर तो लोगों में डर भी था तो इसी वजह से लोग बुरे काम करने से पहले दस बार सोचते थे तो इन्होंने अच्छे से मैंटेन किया था एबोर्ड ऑफ पीस दारुल दारम ये दारुल दारान ये इंपॉर्टेंट आपने इसको स्टार मार्क करें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनके टाइम पे बोला जाता था जम्मू को अब अगर हम बात करें वो बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे इनको दो बार पकड़ा भी गया था ठीक है इनको दो बार जब पकड़ा गया एक बार मुगलों ने इनको पकड़ा था क्यों क्योंकि इन्होंने जो मुगल्स की जो कमांड्स थी उनको ओबे नहीं किया था उनको मतलब नकार किया था नकार लिया था और दूसरी बार अफगान्स ने इनको जो है मतलब पकड़ा था क्यों पकड़ा था क्योंकि इन्होंने जो अफ़गान्स का जो कारवां था ना जो लड़ाई के लिए जब आते हैं घोड़े वगैरह लेके जितना इनका जो आम आर्मी होती है उनके पास आर्मरी होती है जो भी वेपन्स होते हैं वो सारे इन्होंने लूट लिए थे अफगान्स जो आ रहे थे ना यहाँ पे वो उनको इन्होंने लूटा था रंजीत देव ने तो इसी वजह से इनको अफगान्स ने भी पकड़ लिया था लेकिन ये इतने शातिर थे इतने कावर थे दोनों बार इनको छोड़ दिया गया था क्योंकि इन्होंने अच्छे से उनके साथ जो है नेगोशिएशंस किया था तो जिसकी वजह से इनको इनका किंगडम वापस दे दिया गया था अब ये जो मुगल्स जो है हमने बोला कि इनकी कमांड्स को इनको इन्होंने ओबे नहीं किया था तो मुगल्स क्या करते थे लाहौर से रूल क्या करते थे तो इनडायरेक्टली इनका कंट्रोल होता था आपस के जो जो इनके कंट्री नेबरिंग कंट्रीज होती थी ना अब कश्मीर में तो मुगल्स थे ही लेकिन यहाँ पे जम्मू में नहीं थे ना तब फिर इन्हों ये क्या करते थे रंजीत देव को अपने कंट्रोल में रखते थे कि इनको ओबे इनके ऑर्डर्स को रंजीत देव को ओबे करना पड़ता था जो मुगल्स के ऑर्डर होते थे लेकिन इन्होंने उनको मा, मा, माना नहीं रंजीत देव ने क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़े ग्रेटेस्ट रूलर थे लेकिन जब इनको उसकी दंड मिला तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ बात बूत करके अपने आप को छुड़वा लिया था फिर मुगल्स ने इनको इनका किंगडम वापस दे दिया अब और क्या इनके बारे में है ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे यानी कि समाज की जो कृतियाँ हैं उसको सही करने के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया था जो बैन था ना सती पे जो सती प्रथा थी ना जो भी औरतें होती थी उन, उनके पति की शादी होने पे सॉरी उनके पति की डेथ होने पे उनको जिंदा जला दिया करता था पुराने जमाने में जो हिंदू में ये प्रथा थी तो ये रंजीत देव थे इन्होंने इस पर बैन लगाया था और फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि अगर छोटी कोई लड़की पैदा होती है तो उसको जन्म के दौरान ही उनके पेरेंट्स मार दिया करते थे तो इसके ऊपर बैन लगाया था इसी वजह से इन्होंने समाज में बहुत सारे मतलब रिफॉर्म्स लेके आए थे ये अभी तभी हम इनको बोलते हैं ये ग्रेट सोशल रिफ़ॉर्मर भी थे और एक बहुत बड़े डोगरी पॉइट और स्कॉलर जिनका नाम था पंडित देवदत्त वो भी इनके कोर्ट में यानी कि इनके दरबार में रहते थे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पंडित पंडित देवदत्त किसके दरबार में रहते थे वो थे हमारे महाराजा रंजीत देव इसके अलावा जो महाराजा रणदीव देव ने जो जो रिफॉर्म्स लाए थे उनमें जैसे कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी थी जो भी ये शासन करते थे उन उनको शासन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि वो इतने ज़्यादा एबल थे ठीक है अगर शासन चलाना हो इतना बड़ा तो उसके लिए कोई कैपेबल आदमी ही चाहिए आज के टाइम पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं तो आईपीएस आईएएस कितने ज़्यादा उनको मेहनत करके एग्ज़ाम पास करके उस लेवल तक वो उनको जाना होता है तभी हम उनको अलग अलग जो है एग्ज़ाम्स के द्वारा उनको जाना पड़ता है जैसे कि मेंस में प्री प्री क्लियर करना पड़ता है फिर मेंस फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं तो कितना उन उनको हम मतलब परीक्षा लेते हैं उनकी लेकिन क्यों लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कोई ना कोई एबल इंसान ही चाहिए होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है एफिशिएंसी थी एबिलिटी थी तो तभी इन्होंने अपने जो टाइम पे रोल अच्छे से किया था समाज में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए थे रिफॉर्म्स लाए थे और इनकी जो बहादुरी और ये सारी की सारी एबिलिटी की वजह से ये एक बहुत बड़े रूलर्स बनते थे ना कि सिर्फ जम्मू में बल्कि इंटायर नॉर्थ इंडियन रीजन में इनको सब जानते थे कि ये बहुत ब्रेव रूलर हैं बहुत ग्रेटेस्ट रूलर हैं तो ये ये इनके इम्पॉर्टेंट काम थे तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊँ तो ये बाईस प्रिंसिपैलिटीज ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए ठीक है ये जो हिल्स और प्लेन्स को ये स्टार मार्क कर लीजिए उसके अलावा दारुल दारुलम ये इसको तो दो तीन स्टार मार्क कर लो आप क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा मैं बात करूँ पंडित देवदत्त इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना है और ये आपने इनके बारे में जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं दीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो ठीक है उसके बाद जब रंजीत देव के बाद हम पढ़ेंगे रजीत सिंह जी ये मैं आपको क्रोनोलॉजी वाइज नहीं करा रही हूँ जो अभी मैं जितने रूलर्स पढ़ा रही हूँ ना ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे मिडीवल इंडिया ऑफ जम्मू मिडीवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू उनके बारे में ये मैं आपको बता रही हूँ तो ये क्रोनोलॉजी पे मत जाइए आपने बस इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो जीत सिंह है वो काफी ज़्यादा वीक रूलर थे अगर हम बात करें तो ये जीत सिंह के टाइम पे ही जो जम्मू है ना वो फाइनली जो सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह के हाथों में चला जाता है तो उनके बाद आ जाते हैं हमारे महाराजा रंजीत सिंह तो इनके बारे में बस यही पढ़ना है आपने कि जो जम्मू है सिख रूलर्स जो महाराजा रंजीत सिंह अब रंजीत देव आपने पढ़ा वो अलग है ये रंजीत सिंह अलग है ठीक है इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इसको हमने स्टार मार्क करना ये है ये कौन है रंजीत सिंह ऊपर हमने पढ़े थे वो रंजीत देव थे ठीक है वो देव डायनेस्टी के थे तो ये सिख डायनेस्टी के हैं रंजीत सिंह सिख डायनेस्टी के हैं तो ये हो गए हमारे दोनों जी सिंह भी हो गए रंजीत देव भी हो गए अब हम बात करेंगे सिख रूल जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे आया था उसके बारे में हमने पढ़ना है इम्पोर्टेंट तो जम्मू को जो कौनकर करा था उस उनका नाम है सरदार हुकुम सिंह किसने हु, कौनकर करा किसने जीता था हुकुम सिंह ने और इस तरह से जो है जम्मू सिख एम्पायर के अंदर ये इन्होंने एनेक्स कर लिया था हड़प लिया था किसने महाराजा रंजीत सिंह ने लेकिन किसको इन्होंने भेजा था अपने कमांडर बना के वो थे सरदार हुक्म सिंह तो ये इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करना है कि जम्मू जब सिख रूल के अंडर आया था वो किसके द्वारा किया गया था सरदार हुक्म सिंह के द्वारा लेकिन किसके अंडर काम करते थे वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर काम करते थे तो अब जब इन्होंने ये जीत लिया था ना जम्मू तो महाराजा रंजीत सिंह का बेटा हुआ करता था जिसका नाम था प्रिंस खारक सिंह इसको आपने स्टार मार्क करना है किसके बेटे थे वो रंजीत सिंह के इन्होंने फिर जम्मू को एज अ गिफ्ट उनको दे दिया था जागीर मतलब चलो आप इस पर अपना जो है रूल करो इसको अपने तरीके से चलाओ ठीक है जीत ली थी टेरिटरी तो फिर इनको दे दी कि आप यहाँ पर शासन करो और इसके अलावा जो गुलाब सिंह डोगरा हैं वो रंजीत देव डायनेस्टी से उनके वंशज हैं ठीक है उनके डिसेंडेंट है ये गुलाब सिंह जी तो सबसे पहले जो डोगरा फैमिली में एंटर हुए थे जो महाराजा गुलाब सिंह जो सॉरी मतलब महाराजा जो गुलाब सिंह जी थे ना वो सबसे पहले थे जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में अपना मतलब योगदान दिया था वो डोगरा फैमिली में सबसे फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रंजीत सिंह के अंडर काम किया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलाब सिंह डोगरा के बारे में लेकिन इनके बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किन के वंशज थे ये रंजीत देव जो दे, देव डायडेंसिटी के थे ना उनके वंशज में आते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी लेकिन जो मिलिट्री में इन्होंने जो है एज अ सोल्जर काम किया था वो रंजीत सिंह के अंडर किया था और ये अपने आप में फर्स्ट ऐसे पर्सन बन जाते हैं डोगरास के जिन्होंने इनके अंडर अपनी सर्विस दी थी ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे क्या होता है कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी थी बहुत ही एबल एफिशिएंट ब्रेव सोल्जर हुआ करते थे वो इनके मिलिट्री में और जिसकी वजह से जो रंजीत सिंह थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे ठीक है इनको महाराजा रणजीत सिंह को गुलाब सिंह का काम इतना अच्छा लगा था कि इसकी वजह से इन्होंने गुलाब सिंह जी को राजा ऑफ जम्मू का टाइटल दे दिया किसने महाराजा रंजीत सिंह ने किसको दिया था गुलाब सिंह जी को क्वेश्चन आता है इसको हमने स्टार मार्क करना है कि राजा ऑफ जम्मू किसको बोला बोला कि, कि, किसने बनाया था गुलाब सिंह को तो रंजीत सिंह ने ठीक है क्योंकि इनकी अ, क, मिलिट्री में जो है काम करते थे रंजीत सिंह जी की मिलिट्री में गुलाब सिंह जी काम करते थे सोलह जनवरी अठारह में महाराजा रंजीत सिंह ने फाइनली इनको राज तिलक किया था इनका अखनूर में जम्मू में जो अखनूर है वहाँ पे एक जिया पोटर ट्री हुआ करता है ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत बार आता है कि महाराजा गुलाब सिंह का कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था अखनूर में हुआ था एक जियो पोटा ट्री के अंडर ठीक है इसकी डेट है इसको भी इम्पोर्टेंट स्टार करना है सोलह जनवरी अठारह सौ बाईस में ये क्वेश्चन आपने इम्पोर्टेंट याद करना है और जैसे ही गुलाब सिंह जी बनते हैं राजा ऑफ जम्मू फिर ये क्या करते हैं कि अपनी जो भी अथॉरिटी है वो मतलब बहुत तेज़ी से ये एक्सटेंड करने के लिए मतलब काम करना स्टार्ट कर देते हैं और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री कमो मतलब इनका ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे ग्रेटेस्ट थे तो जहाँ पे भी फिर इनको जब जम्मू इनके अंडर आ जाता तो फिर ये भी आसपास के एरिया में अपने एक्सपेडिशन करने चले जाते थे वहाँ पर लड़ाई करने चले जाते थे फिर इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ जीती हैं काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज को अपने अंडर लाया है वो हम आगे बढ़ने वाले हैं तो ये हमने पढ़ा उसके अलावा इनके बारे में क्या है जो गुलाब सिंह थे इन्होंने कहाँ कहाँ पे जीत हासिल करी थी मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे तो पुंछ हो गया राजौरी रियासी चनैनी किश्तवाड़ माओकोत कश्मीर लद्दाख आप देख रहे जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों को इन्होंने जीत लिया था इसके अलावा जो हम बल्तिस्तान की बात करें झंसकार की बात करें स्कार्टू ये सब जो लद्दाख के पार्ट है दर्दिस्थान इसके ऊपर है इस सारी की सारी टेरिटरीज को इन्होंने सिख रूलर्स के लिए जीत लिया था किसने गुलाब सिंह थे तो तभी ये इतने ज़्यादा महाराजा रंजीत सिंह इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे क्योंकि इन्होंने पूरा जो आज का अगर हम जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख इस सारा का सारा गुलाब सिंह ने इनको अपने अंडर टेरिटरी में लिया था और ये उस टाइम पे सिख रूलर्स के लिए काम करते थे ना गुलाब सिंह जो सिख रूलर्स कहाँ पे बैठ के अपना शासन चलाते थे लाहौर जो आज पाकिस्तान है वहाँ वहाँ पे बैठते थे और वहाँ से ये अपना काम कराते थे रूलर्स गवर्नर्स के थ्रू ठीक है अब मेन इनके टाइम पे जो चीफ आर्किटेक्ट है ना इनकी जो जितनी भी ये इन्होंने जीत जीत हासिल करी है इनमें सबसे मुख्य जो किरदार है वो कौन है जोरावर सिंह क्योंकि ये इनकी आर्मी में जो गुलाब सिंह के अंडर आर्मी थी रंजीत तो सिंह के टाइम पे वो इनकी आर्मी के जो है जनरल थे कौन जोरावर सिंह ये इंपॉर्टेंट इनको स्टार मार्क करना है जोरावर सिंह किसके जनरल थे गुलाब सिंह की आर्मी में जनरल थे ठीक है उसके अलावा जो सिख थे ना जो ब्रिटिश के द्वारा जब इनकी हार हुई थी क्योंकि जब भी हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ पे कई प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे तो उनमें से हमारी जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी ठीक है तो ये एक प्रिंसली स्टेट थी यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था ब्रिटिशर्स का वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे ये कुछ अमाउंट उनको दे दिया करते थे जिससे वो खुश होकर इनको अपना कामकाज अपने तरीके से करने के लिए मतलब उनको अलो कर देते थे ब्रिटिशर्स लेकिन अब ब्रिटिशर्स की तो आदत थी कि मतलब वो हर एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लाना चाहते थे पूरे इंडिया में अपना रूल चलाना चाहते थे जो कि ऑलरेडी कर भी रहे थे लेकिन डायरेक्ट वे में कुछ जगह पे उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था तो फिर उन्होंने जब सिख के साथ लड़ाई करी जब सिख फिर क्या करते हैं ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट सारे राजा महाराजों को हरा देते थे तो सिख जब हार जाते हैं तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हम उसको बोलते हैं इसमें क्या होता है जो महाराजा दिलीप सिंह थे जो उस टाइम पे पंजाब के रूलर थे उन्होंने फिर मजबूर होकर ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी कर ली थी फर्स्ट एंग्लो सिख वार किसके बीच में हुई थी महाराजा दिलीप सिंह उस टाइम पे हमारे पंजाब के रूलर हुआ करते थे ब्रिटिशर्स और इंडिया यहाँ पे जे के जो उस टाइम सिख रूल यहाँ पर रूल किया करता था तो जब लड़ाई हो जाती है एंग्लो सिख वार में महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स गुलाब सिंह के साथ भी एक और ट्रीटी कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर ठीक है उसके पहले जो ट्रीटी हुई थी ये जो ट्रीटी हुई थी ये ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी क्या हुई थी ये ट्रीटी ऑफ लाहौर ये नौ मार्च को हुई थी नाइन्थ ऑफ मार्च एटीन फोर्टी सिक्स ठीक है ये इंपॉर्टेंट डेट है और ये हुई थी सिक्सटीन ऑफ मार्च 1846 ये नाइन मार्च को हुई थी ये सिक्सटीन मार्च को हुई थी ये ट्रीटी ऑफ लाहौर थी ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी इंपॉर्टेंट है ये महाराजा दिलीप सिंह के और ब्रिटिश के बीच में हुई थी ये महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर और इसकी डेट है इंपॉर्टेंट स्टामा करना है तो जब <coughs> सॉरी एंग्लो सिख बार होती है उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं महाराजा गुलाब सिंह के साथ ट्रीटी साइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर और इस ट्रीटी के बाद जो गुलाब सिंह जो थे जिसको जिनको राजा बनाया था महाराजा रंजीत सिंह जी ने फिर इनको बोला जाता है महाराजा पहले इनको क्या उपाधि दी थी राजा अब ये क्या बन गए महाराजा तो महाराजा राजा से बड़ी जो है ये एक पोस्ट होती है अगर हम बात करें एक रेकनेशन होती है महाराजा ठीक है राजाओं के भी राजा तो इस तरह से ये बन जाते हैं महाराजा और उसके बाद जो भी हमारा डोगरा रूल आता है तो आप देखिए हम उनको राजा नहीं बोलते हैं हम महाराजा से उनको डिनोट करते हैं कैसे ये बने थे क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हार ब्रिटिशर्स से जब सिख हार गए थे तो उनको ब्रिटिशर्स को एक करोड़ नक शाही रूपी पेनल्टी के रूप में देनी थी जो कि वो दे नहीं पाए थे क्योंकि जब वो दे नहीं पाए थे तो इस तरह से सारा का सारा एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया था लेकिन जब गुलाब सिंह उस टाइम पे उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने सोचा कि मैं ब्रिटिशर्स के साथ कंट्रो ये जो पैसे उनको दे के ये सारा का सारे एरिया अपने अंडर ले लेता हूँ क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि ये जो पहाड़ी एरियाज है यहाँ पर हम क्या ही कर लेंगे क्योंकि उनको ये काफी इतना कोई खास लगा नहीं था उस टाइम पर जम्मू कश्मीर तो फिर वो मान गए कि चलो आप हमें सेवेंटी फाइव लैख नानक शाही रुपीज हुआ करते थे उस टाइम पे इन्होंने बोला आप हमें इतने पैसे दो हम आपको पूरा जे एंड के कश्मीर लद्दाख सब आपके अंडर कर देते हैं तो फिर इन्होंने दिए उनको पैसे और फिर इस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख इन हमारे जो महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ जाता है और ये हमारी होती है ट्रिटी ऑफ अमृतसर एक लैंडमार्क अगर हम बात करें हमारी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के बारे में ठीक है तो इस ट्रिटी से हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट बनती है ना इसकी फाउंडेशन होती है ट्रिटी ऑफ अमृतसर से ठीक है तो अब तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े तो एक बार मैं उसको आपको बताती हूँ हमने देव डायनेस्टी पढ़ी थी ये देखिए अब सूरज देव देव, देव देवताओं के देवता सूरज इस तरह से याद कर लेना कर लेना है किसने इस्टेब्लिश करी थी सूरज देव ने अब उसके बाद जब एंड की जो हुआ था उस टाइम पे जो जीत सिंह थे ये लास्ट थे ये आपने याद करना है उसके बाद बहुलोचन से तो आप याद कर ही लोगे लेकिन इनका ये धर्मनगरी वाला इंपॉर्टेंट याद रख लेना है और इस तरह से जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये सारे के सारे आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं इनके और ऑलरेडी मैंने छोटे छोटे ट्री मतलब तो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं आप इनको भी शॉर्ट कर सकते हो जितना आप जिस तरह से आपको अच्छा लगे जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ ठीक है तो ये था हमारा आज का लेक्चर अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको अभी फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप वो लेक्चर देखिए हमारी ऑलरेडी प्ले बनाई है हमने जे की जिसमें हम ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके हैं रिवर्स लेक्स टूरिस्ट प्लेसेस अब हमारी हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगी नेक्स्ट टू या थ्री लेक्चर्स में तो आप देख सकते हो कि हमारे चैनल पे आपको कॉन्स्टेबल बैच की पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है तो आप फोकस बना के आप अच्छे से स्टडी कीजिए जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसको रिवीजन कीजिए प्रॉपर एमसीक्यूज लगाइए क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है अब एक या दो महीने के अंदर ठीक है तो ये था हमारा लेक्चर तो जो भी आपके कमेंट्स होंगे आप प्लीज़ नो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे और लेक्चर चाहिए ताकि हम आपके उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर पाएँ ठीक है तो मिलिए मिलते हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकॉन कमेंट क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर फर्दर अपडेट्स थैंक यू सो मच गाइज